Hey guys, assalamu alaikum, adab, sat sri akal, welcome back to the channel. What is up? Kya hal chal, kaise ho, kya chal raha hai? Main hoon camera ke piche Sameer bhai hai. Aur aaj ka din hai 7th of April, hamare ghar pe iftar party hai, to soche hum log iftari lane jayenge masjid ke liye aur ghar ke liye. To hum log mandi bazaar ja rahe the. To socha mandi bazaar aap logo ko dikha denge. Last year kare hum log vlog mein kutta yaad nahi hai. Kare the but thoda chota tha aur thoda zyada khul ke ja ke bana ke aayenge vlog mandi bazaar mein. Kya aap logo ko bhi aisa sair karaye jaisa rehta mandi bazaar, dikhaye jaisa rehta, to लोगों को लेके चलने वाला हूँ मैं इफ्तार की शॉपिंग को जा रहे अपन मंडी बाजार वरंगल. और वो एक काम भी अपना पेंडिंग रह गया, अपने सिम्बा का जो एलनकी का नट जो अंदर गिर गया, वो स्टिक मैग्नेट नहीं खरीदा मैं. एटलीस्ट वो बोल्ट तो भी खरीद के लाके सेम थ्रेड वाला बोल्ट लगा के सीट लगाना पीछे, बिकॉज काउल पे छे चार दिन से गाड़ी बाहर लेके जा नहीं सक रहा हूँ, किसी के साथ नहीं जा सक रहा हूँ, अकेला जाना पड़ रहा. तो कोई है तो साथ में बातें कर लेते, ऐसा टाइम पास करके एक छोटा स्पिन मार के आ सकते. और जब से मैं काउल लगाया ना, जब से लोग पूछने लग गए, जैसे अफान लोग है अब बाहर, सब लोग भाई एक दियो ना राइट दियो, काउल लगे हुआ है, कहाँ बैठते तुम लगा, राउंड पे जा नहीं सकते अपन, तो जल्द से जल्द सीट भी वो लगा देना है. वो काम अपन कल करेंगे मोस्टली, बिकॉज अब तो इफ्तारी लेके आके घर पे दिए तक पूरा वक्त हो जाता. जल्दी जल्दी से फ्रेशअप हो जाएंगे, फ्रेशअप होके कुर्ता पहन के निकलेंगे मंडी बाजार के लिए. लेट्स बिगिन द वीडियो. फ्रेश होने से पहले एक जबरदस्त चीज के बारे में बोलता हूँ आप लोगों को, सुनो. अपन सबको क्लियर ग्लोइंग और रेडियंट स्किन पसंद नहीं, ऑफ कोर्स मेरे को भी पसंद. जैसे वो कोरियन के मॉडल्स रहते, देखो ऐसा ग्लास टाइप स्किन रहती है की. उन लोगों का तो कितने की जनरेशन से साउथ ईस्ट एशिया वाले ये एक इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, राइस, जिसके अमेजिंग स्किन बेनिफिटिंग प्रॉपर्टीज है, जिससे ग्लास टाइप स्किन मिलती है उन लोगों को. ये सिर्फ कोरियन कॉन्सेप्ट नहीं, अपने घरों पर भी यूज करते, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ये मिला वो मिला बनाओ DIY जैसा है, इतना सब करना पड़ता बोल के कौन से की गलत प्रोडक्ट्स लाके यूज करते जो उतना इफेक्टिव भी नहीं देते. चावल का जो पानी रहता नहीं वो भी फेस पे अप्लाई करते टाइटर हेल्दियर ग्लोइंग स्किन के लिए, बट दैट कैन बी सो कम्बसम. वुडंट वी ऑल लव अ कन्वीनियंट एंड क्विकर सॉल्यूशन. ये चीज पूरा करने के लिए मामाअर्थ लेके आया राइस वाटर फेस रेंज. इसके इंग्रेडिएंट्स जो है राइस वाटर और नियासिनामाइड है. राइस वाटर स्किन को क्लैरिफाई करता, कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता, रिजल्टिंग इन ग्लास लाइक स्किन. नियासिनामाइड जो है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता, अनवीलिंग फ्रेशर एंड हेल्दियर स्किन. ये एक टू स्टेप रेजिमेन है ग्लास टाइप स्किन पाने के लिए. पहला है मामाअर्थ राइस फेस वॉश और दूसरा है राइस वाटर ड्यूवी सनस्क्रीन SPF 50 PA++++. सबसे पहले मुंह कच्चा कर लेके जनरस अमाउंट में फेस वॉश ले लेके अप्लाई करके थोड़ा ऐसा मसाज करके उसके बाद फेस वॉश कर लेना. उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना फेस पे और नेक पे, एक लाइटर टेक्सचर अप्लाई करना विच प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम सन एंड ब्राइटन्स योर स्किन. UVA एंड B प्रोटेक्शन फ्रॉम SPF 50 एंड PA++++. लाइट वेट और नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका, व्हाइट कास्ट भी फॉर्म नहीं होता चेहरे पे. As you all know, Mamaearth's all about goodness inside. Goodness doesn't just lie in the products, but also in the values they stand for. Plant Goodness Initiative. Whenever you buy from them, they link your order on the website to a tree that they plant, and Mamaearth's aiming to plant 1 million trees by 2025 as a part of this initiative. आज तक Mamaearth के प्रोडक्ट्स अपन ऑनलाइन Amazon, Nykaa, Flipkart पे ही खरीदते हैं, बट अपने खरीदे ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है. Once you spot a Mamaearth store near you, do message me or comment down below. If in case आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Mamaearth के वेबसाइट या ऐप से खरीदे तो यूज माई कूपन कोड Nabeel2024 to get 20% of discount. आज का दिन है संडे और शाम के बज रहे 4. हम लोग जाने वाले हैं मंडी बाजार इफ्तारी लाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग मस्जिद में दे रहे इफ्तार पार्टी. इफ्तार की दावत दे रहे रोजेदारों को हमारी मस्जिद में, और साथ में घर पे भी रिश्तेदार आने वाले हैं, तो अपन इतनी इतनी इफ्तारी खरीद के लाना है मंडी बाजार जाके. जब जमाने में हम लोग जब छोटे थे, अच्छी इफ्तारी, जबरदस्त इफ्तारी, इफ्तार में हरीस भजिए लोखमी ये पूरे चीजा होना बोले तो इफ्तारी मंडी बाजार से चाहती मंडी बाजार से लाना पड़ता था. और अब जाके गली गली को हर गली को एक भट्टी लग गई, हर गली के कोने में भजिए मिर्चाए वो पूरे मिल रहे दही. आज नबील भाई के तरफ से इफ्तार पार्टी है तो समझ जाओ वो चीज़ खाने में मिलेंगे. मेरे तरफ से नहीं, हमारे बड़े भैया हमारे घर की तरफ से. हम लोग आज जाने वाले हैं मंडी बाजार और मंडी बाजार जाके खरीदने वाले हैं मिर्चिया भजिए दही बड़े अंडे के भजिए आलू के भजिए वाटरमेलन लुखमिया स्पेशली लुखमिया. देखो हफ्ते में 2 से 3 बार हम लोग पक्का मंडी बाजार से इफ्तारी लाते थे, बट अभी बहुत कम हो गया. मेरे ख्याल से ये पहली बार है पूरे रमजान में मंडी बाजार जाके इफ्तारी लाना. तो वहाँ पे लुखमिया बहुत 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 स्पेशल है भाई. मंडी बाजार में लुखमी पापड़ बड़ा रहता, खीमा इतना ही चाहता उसमें, मगर फिर भी वो काली लुखमी ऐसी मजे की रहती, कुरुम कुरुम खाली कतर के खाते रहे तो जो जले सो मजा आते रहता. आ हा 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 लजीज. तो चलो निकलेंगे, लेट्स गो. थर्ड भी नहीं, सेकंड थर्ड क्लास में शायद, रोजे नहीं रहता था मगर मस्जिद को जाता था इफ्तार करने के लिए. और आखिरी दिनों में मिस नहीं करता था मैं मस्जिद को जाना वाला, स्पेशली लास्ट रोजा उस दिन
जलेबी, मीठे मीठे चीजें, मीठे भजिए, बहुत चीजें आते थे इफ्तारी, बहुत ज्यादा आती थी कसम से। मीठे चीजें आते ना इफ्तारी में, मिस करना नहीं दिल बोलता। आखिरी के दिन तो पक्का डैम श्योर 1000% जाता था मस्जिद को इफ्तार करने के लिए। 15-20 दावत तो होते थे हमारे मस्जिद में, और कोई भी दावत मिस नहीं करता था मैं। मेरे एक दो दोस्त थे बच्चा पार्टी, मैं, छोटू, यूसुफ, हम लोग तीनों मिलके जाते थे, पूरे दावत अटेंड करे हम लोग पूरे। पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अपन अपनी गाड़ी में, अपने कार में, ऐसा कभी दिन नहीं था कि इफ्तारी नहीं है घर पे, या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। हर दिन हरीस खाने को मिल रही, जो चीज दिखी, जो चीज खाना दिल बोला लेके आए कि खा सकते अपन आज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Also, I remember this story. हर शबे खद्र को मैं खाजी पेट जुबली मार्केट की जो बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, रहमान के वालिद साहब बहुत अच्छी दुआ करते थे। I remember 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जब हमारे होने से पहले 30-40,000 सब्सक्राइबर्स थे शायद, रो के दुआ करा मैं, अल्लाह 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होना हमारे, 1,00,000 हो गए। वो इस मस्जिद में 1,000,000 सब्सक्राइबर्स होना हमारे, बोल के दुआ करा 1,000,000 हो गए। कल भी फुल दुआ कर लिया इंशाल्लाह। फिर वहां जाने के बाद कहां कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग आजकल जिंदगी में, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां, स्ट्रेस, ये वो हो के याद नहीं रहता। देखो आंखा भी कर रहा है। पहले अपन क्या करेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे। हाँ, जाते की फ्रूट्स। हमारी मम्मी को बोला मैं, पेपर में चिट्ठी लिख के दिया साहब, घर के लिए क्या क्या होना है, मस्जिद के लिए क्या क्या होना है, उससे हम लोग थोड़ा ज्यादा ला लेते इफ्तार। मम्मी लोग परफेक्ट लिखते हैं, ऐसा 50 लोग हैं तो उन लोग के हिसाब के इतने भजिए लिखते, बस नहीं होते वो कभी कभी, नहीं कभी कभी वो वेस्ट नहीं होना बोल के कम लिखते, समझ, थोड़ा ज्यादा लेके जाना अपन। आप लोग भी मेरे ऐसे है क्या, मतलब ये ला बोले तो चिट्ठी परफेक्ट चिट्ठी इज परफेक्ट। अभी भी चल रहा है उसका रूल, चिट्ठी सामान लाने में, एग्जीबिशनों में। ये वरंगल चौरस्ता है, देखो दिस इज कॉल्ड वरंगल चौरस्ता। यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है पुलिस स्टेशन रहता है इंतजार गंज, और यहाँ पे देखो 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 जबरदस्त रहती है ये रोड, और इधर साइड पे जो है वरंगल रेलवे स्टेशन है। अरे वहाँ पे आमा बेच रहे हैं, आ गए आमों का सीजन, अल्फोंसो आमा मंगा के खाना, क्या मीठे रहते हैं मालूम, वो क्रीम स्टोन के आइसक्रीम में डाल के देता ऊपर, आहा, वो आइसक्रीम छोड़ो ऊपर है सो खाली आम खाना हो, आहा हा। अरे जान दो जी, रोजा लग रहा भाई। ओके जान दो कार यहाँ पे पार्क करे। सबसे पहले अपन लखमिया लेंगे, लखमिया कितने लेना है, चिट्ठी निकाली क्या, हाँ चिट्ठी निकालो, चिट्ठी पहले चिट्ठी निकालो। मौजा लेना है, आलू के भजे लेना है, और दही बड़े लेना है, ये लिस्ट है। ना चिट्ठी ला लिए, कार ला लिए, पूरे ला लिए, मगर थैली भूल गए यार। एक काम करेंगे, अफान को बोल के कार इधर मंगा लेता हूँ, 10 तरबूजा कैसा लेके जाते अपन, अफान मस्जिद के सामने। पूरे मंडी बाजार में 35 साल से बैठे हुए इस्माइल भाई यही मस्जिद के सामने, मद्रासी मस्जिद के सामने, हाय हाय, का भी दिलाना पूरे रमजान के अंदर, भाई के पास मिलता माल, भाई के पास मिलाने वाले का दिल है, मगर खाने वालों का भी दिल होना, कभी भी देखो लूटते रहे बोलते हमारे पास। ब्लॉग का पार्ट बनना था तो ले लिया भाई, आपका नाम अहमद इलियास, अहमद भाई हमारा हर वीडियो देखते बोल के बोले, और जब वीडियो आया उसी दिन पहले घंटे में देखते बोल के लव फ्रॉम वरंगल बोल के मैं जी वो भी करता हूं, कमेंट मारते हैं सी वरंगल वरंगल, पहले खतर में तो खतर से बोल डालता था। अच्छा नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा दिखा मिलके, खुशी में इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, बहुत खुशी, नवीन भाई से पहली बार मिला तो बहुत खुशी होती, भैया के वीडियोस देख के एक मोटिवेशन मिलता, भैया हमारे वरंगल के अच्छा कर रहे हैं, गाने जबरदस्त, किस्मत गाना तो खाली शिराग गाना है वो, बहुत तो नहीं देखना चाहिए फिर भी जबरदस्त गाने, दिन बना दिया आज का एनर्जी और बूस्ट कर दिया, खत्म है तो शिराग खाली बोल दिया, मुलाकात करता हूं इंशाल्लाह, आ जाओ।
रहे हैं उसमें जल्दी इफ्तारी लेके भागना भी है, ठहर नहीं सकते बिकॉज अपने को घर पे जाना है, फिर मस्जिद पे भी जाना है, और हम लोग यहाँ पे गली में है। फिलहाल यहीं से हम लोग आलू के भजी अंडे के भजी 11 लिए, वो पूरे चीज़ा ले ले रहे हैं। आ जाते आप, आ जाते, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। जल्दी 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 निकलना है, टाइम हो रहा, टाइम हो रहा, वक्त हो रहा, निक्की भर गई। चलो 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 चलो, फाइनली हम लोग मंडी बाजार से बाहर निकल गए। बहुत अच्छा रहता भाई, वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा रहता। मॉडर्न स्वीट हाउस के पास से लेके उधर खुर्शीद पार होके पेट्रोल पंप आए तक, जहाँ तक जहाँ पे वो बैरिकेड्स लगते हैं वहां तक फुल दुकाना, फुल फुल पब्लिक। और एक जगह से और एक जगह से क्या लेते, बल्कि पूरी इफ्तारी एक ही जगह से ले लिए, एक दो गलियां फिरे, बस जल्दी जल्दी निकल के आगे। और टाइम भी हो रहा है 5:30। धुआं बहुत ज्यादा है बाहर, बहुत गर्म है। कार में बैठते कैसा ठंडा आराम। आज मैं इंस्टाग्राम पे भी डाला था, नहीं दोपहर के 12 बजे से 2 या 3 बजे तक बाहर नक्को निकलो, हीट वेव है जिसकी वजह से धूप का मार लगता और बीमार होने के चांस रहते थोड़े लोग, तो राइड भी हो जाते मालूम सैफ, धूप का मार थोड़े लोगों को डेंजर लगता, वही ना आउट हो जाते, बहुत डेंजर। पानी पीते रहना, ठंडा पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना, इसलिए समर में बहुत ज्यादा बोलते नहीं, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर, फ्रूट्स वूट्स खा लेते हुए। ये धूपों में शूट करना बोले तो भी बहुत दिमाग खराब हो जाता मालूम। सन्स किकिंग आज परसों एक मंडी बाजार का मिनी व्लॉग बना के डाला था इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, 50,000 से भी ज्यादा लाइक्स आ गए और बहुत सारे लोग देखे कमेंट्स में बड़ा व्लॉग बनाओ, बड़ा व्लॉग बनाओ बोल के मार रहे थे। बट है क्या भाई, दिखाने के लिए रात के टाइम तो उतना ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी रहते, माहौल बहुत जबरदस्त रहता। लेके जाके 4 शॉट्स लेके म्यूजिक पे डाल दिए, ऐसा मेरे को नहीं पसंद। वो माहौल को टोटली फील होना, मतलब एक अच्छा वॉइस रिकॉर्डर रख लेके वहां पे जो रियल आवाज है, जो एम्बियंस है, वो वीडियो को वही एम्बियंस डॉक्यूमेंट्री में कैसा रहता वैसा रहना, वैसा कोई भी बाहर की कंट्री में बैठ के वो एम्बियंस के साथ, वहां के आवाजों के साथ, वहां का वीडियो 4K में देख रहा बंदा, तो उसको एकदम ऐसा रिफ्रेशिंग फील होता कि वहीं छू क्या मैं बोल के। अगर वरंगल वाले कोई बाहर है तो वो प्रॉपरली थोड़ा बड़ी टीम के साथ प्रोफेशनल बनाना रहता, जिसको बजट होना रहता, नको अपने को काम। समीर लोग पीछे कार में आ रही, मस्जिद पे इफ्तारी रख दे के घर को जाएंगे अपन। तारी पहुंचा दिए मस्जिद में, लोगों का काटते, अब काट के पूरे प्लेटों में जमा देते। इफ्तार पार्टी के दिन ही हम लोग को ये हैम्पर मिला, मेरा दोस्त सलमान लाके दिया, सो है सोचा ये इस व्लॉग में अनबॉक्स करेंगे ये हैम्पर। इधर ये डोरी है, देखो खोल रहा हूँ, टिच ये देख सकते, महक की चॉकलेट टी का एक बॉक्स है 250 ग्राम्स का, और ये रेड रोज प्रीमियम टी, ये दो चाय की पत्ती के डब्बे, और इसमें एक शीशी जिसमें काजू पिस्ता खजूर है, और इसमें क्या है, इसमें इधर है, अरे इधर है, इधर की शीशी, वाह गाइस, मैं एक्सपेक्ट नहीं करा है, इधर है वाली, क्या हाईलाइट है, ये कार में लगा सकते शायद ऐसा, और तस्वीर है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, देखो। नबील आफरीदी वारंगल डायरीज, एज द सेकंड मंथ ऑफ रमदान हैड बिगन मेड अरोमा टुगेदरनेस। अच्छा ये रमजान शुरू होते कि लाके देने का हैम्पर था, ब्लेंड्स विद द एसेंस ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर होम, जस्ट एज आवर टी एनरिचेस योर मोमेंट्स, मे दिस मंथ एनरिच योर लाइव्स विद लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फ्रॉम असम टी टीम, मंडी बाजार, वारंगल। That's it for this video, guys. Video पसंद आया तो प्लीज गाइज लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा दिखा, शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, जबरदस्त मिनी व्लॉग्स, कॉमेडी रील्स, हाईलाइट बना के डाल रहा हूं, आप लोग मिस न करो, वहां पे जरूर फॉलो करो अगर फॉलो नहीं कर रहे तो। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।